मंडलेश्वर थाना क्षेत्र में बंद पड़ी महेश्वर विद्युत परियोजना के गोडाउन से तांबे के तार चोरी का मामला पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में चार आरोपियों से करीब 4 लाख रुपए का तार बरामद किया गया है। 6 मार्च की दरमियानी रात्रि में एस कुमार कंपनी मंडलेश्वर में गोडाउन से तांबे तार और डेम में लगने वाले उपकरण करीबन 7 क्विंटल कीमती 3 से 4 लाख रुपए का मशरू का चोरी हो जाने की रिपोर्ट पंजीबद्ध किया गया था। उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गणों द्वारा जल्द से जल्द चोरी करने वाले आरोपियों को पकड़ने व चोरी गए माल को बरामद करने हेतु निर्देशित किया गया था। 13 मार्च को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि एस कुमार कंपनी के गोडाउन से चोरी गए तांबा तार के उपकरण चोरी गया माल को ठिकाने लगाने के लिए कुछ संदिग्ध व्यक्ति एक सफेद कलर की कार में आए हुए हैं। इनके कब्जे से उपकरण सहित करीबन 7 क्विंटल जिनकी अनुमानित कीमत 4 लाख रुपए व टवेरा गाड़ी की अनुमानित कीमत 5 लाख रुपए की जब्त की गई। इस प्रकार कुल जब्त मशरूके की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। आरोपियों से अन्य चोरियों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। थाना मंडलेश्वर में 6-7 तारीख के रात में एक बंद पड़ी एस कुमार की फैक्ट्री है, जहाँ से कुछ अज्ञात लोगों द्वारा तांबे के तार की चोरी की गई थी और इस पर से अपराध पंजीबद्ध कर व्यवस्था में लिया गया। और मुखबिरों से सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति बाहरी हैं जो टवेरा गाड़ी से आए हैं, तो उनको ही जब हमने रोक कर पूछताछ की और तलाशी ली तो उनके पास से पूरे जो तार चोरी गए थे वो बरामद हो गए हैं। करीब 4 लाख रुपये कीमत की 7 क्विंटल तांबे की तार है और एक टवेरा कार भी हमने जब्त किया। 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है जो खरगोन जिले से बाहर के रहने वाले हैं, जिसमें से 2 धार के, 1 इंदौर का और 1 गुना का रहने वाला है। कुल कितने रुपए का माल है? 4 लाख रुपए करीब तार और 5 लाख रुपए कीमत के करीब तार होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।